यहीं से रूपा जी बात करें अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल का जनवरी वादा देख रहे हैं कि 3303 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है। रूपा जी कल के कारोबारी सत्र में हमने देखा था कि बिनौला खल का जनवरी वादा 3200 के पार जा चुका था। 3200 का जो आपने टारगेट दिया था बिनौला खल के जनवरी वादे में, आपका वो टारगेट अचीव हो गया था कल शाम के कारोबारी सत्र में। यहाँ से आप देख रहे हैं बिनौला खल 3300 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, आपको क्या लग रहा है क्या यहाँ से आगे तेजी जारी रहेगी या फिर यहाँ से मुनाफा वसूली भी संभव है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि बिनौला खल में बिना मुनाफा वसूली बने एक के बाद एक लगातार तेजी आते ही जा रही है। देखिए बिल्कुल अखिलेश, मैंने कहा था कि अगर तेजी आएगी, गिरावट अगर बनी भी तो छुटमुट गिरावट आप देख सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड नहीं थी क्योंकि बाजार जिस हिसाब से कंसोलिडेट हो रहा था और आज वो टारगेट भी अचीव हुए 3300 के। अब यहाँ से देखिए थोड़ा बहुत करेक्शन अगर बना भी तो 3250 तक नीचे आ सकता है, लेकिन ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है ऊपर में आप मान के चलिए। अब यहाँ से मुझे लगता है कि कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर 3500 का भी स्तर छूता हुआ दिखाई दे, लेकिन जिन्होंने निचले स्तरों पर बाइंग किया है वो कुछ अभी प्रॉफिट बुक करके भी निकल सकते हैं क्योंकि करेक्शन है, लेकिन ट्रेंड आज भी पॉजिटिव दिख रहा है और आज मुझे लगता है 3360 से 3380 तक की रेंज हो सकता है कि बिनौला खल में देखने को मिल जाए जी। अब अलग अलग काम के लिए अलग अलग ऐप नहीं, हर दुकानदार की बस एक ही ऐप बिग ब्लिस। बिग ब्लिस चुने, केवल 30 सेकंड में अपने स्टोर को दुनिया के सामने लाए, अपने कारोबार को बढ़ाए, मुनाफा कमाए, खुशियाँ कमाए। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।